हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, इनको सभी जानते हैं, ओलंपिक विनर है, ब्रोक हिज अवर नेशनल रिकॉर्ड विथ 89.94 मीटर थ्रो एट विच इवेंट। इन्होंने अब अपना अपना ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने जो नेशनल रिकॉर्ड अपना ब्रेक किया है, वो इन्होंने किस इवेंट में ब्रेक किया है? तो ये इन्होंने ब्रेक किया है स्टॉकहोम डायमंड लीग में, स्टॉकहोम डायमंड लीग में, ठीक है। इन्होंने, इनका पहला रिकॉर्ड था 89.94, अब इनका रिकॉर्ड है 90.31 मीटर, सॉरी 89.94 अब इनका रिकॉर्ड। जो फर्स्ट आए हैं पीटर एंडरसन, उनका उन्होंने मारा 90.31 और इन्होंने मारा 89.94 मीटर, अब इनका नेशनल रिकॉर्ड है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज एक्सटेंड इट्स कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर 10 लाख ट्राइबल यूथ एंड वुमेन इन इंडिया? कौन सी कंपनी ने अपना कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के साथ एक्सटेंड किया, जिसके तहत वो 10 लाख ट्राइबल यूथ एंड वुमेन वुमेन को ट्रेनिंग देंगे, डिजिटल ट्रेनिंग? तो ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है मीटा कंपनी। मीटा कंपनी ही, ये फेसबुक ही की है, ठीक है। फेसबुक का अब कौन सी कंपनी नाम है? मीटा। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है मार्क जैकरबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3, वेयर इंडियाज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत एंड सिमरनजीत कौर वन सिल्वर मेडल, हेल्ड इन विच कंट्री? ये जो वर्ल्ड कप स्टेज 3 आर्चरी चल रहा है, ये कौन सी कंट्री में चल रहा है, जहां हमारे इंडिया की दीपिका कुमारी, अंकिता भगत एंड सिमरनजीत कौर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये चल रहा है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की न्यूज़, यानी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि अभी वहाँ CM चेंज हुए हैं, डिप्टी CM चेंज हुए हैं, स्पीकर चेंज हुए हैं, क्योंकि वहाँ के जो सरकार थी शिवसेना की, ठीक है, उनको उनको चेंज करके एकनाथ शिंदे जी अब उसके CM बन गए हैं। अब क्वेश्चन है डिप्टी, क्योंकि CM को, CM तो सबको मालूम होगा एकनाथ शिंदे बने, लेकिन डिप्टी CM कौन बने हैं? डिप्टी CM बने हैं देवेंद्र फर्नांडिस, ये BJP के हैं, देवेंद्र फर्नांडिस ये अब BJP के हैं और ये डिप्टी CM बने हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगाबाद सिटी इन महाराष्ट्र हैज़ बीन रीनेम्ड, फिर महाराष्ट्र से क्वेश्चन आ गया, औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज कर दिया जाए, ये एकनाथ शिंदे CM बनने से पहले ये नाम, ये बिल पास हो गया था, ठीक है। तो इसका अब औरंगाबाद सिटी का नाम क्या है? सांभाजी नगर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 मंथ? अटर्नी जनरल जो हमारे इंडिया के हैं, उन्हें 3 मंथ की एक्सटेंशन मिल गई है, ठीक है। तो वो कौन है? वो है हमारे KK वेणुगोपाल्या। ये जो अटर्नी जनरल होते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। KK की फुल फॉर्म है कोट्टयम कोट्टन कोट वेणुगोपाल्या, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। इनका जो टेन्योर होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट के अकॉर्डिंग होता है, जब तक प्रेजिडेंट चाहे वो इनको अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया रख सकते हैं, और प्रेसिडेंट ने इनको 3 मंथ की एक्सटेंशन दे दी। नेक्स्ट, सेबी हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कितने की पेनल्टी लगाई है? उन्होंने लगाई है 7 करोड़ की, 7 करोड़ की सेबी ने पेनल्टी लगाई है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। NSE में, यानी 2015 का केस था, उसके अकॉर्डिंग उसके जो हेड थे चित्रा राम कृष्णा, उनको 5 करोड़ और NSE को 7 करोड़ इनकी पेनल्टी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट लाइन इज प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? कौन सी स्पोर्ट लाइन प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में आएगी? अब इन्होंने खरीद लिया है अडानी ने,
अडानी ने ये स्पॉन्सरशिप ले ली है तो अब अडानी की लाइन आएगी। ठीक है, ये जो अडानी की लाइन है ओलंपिक्स में, ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 चाइना, एशियन गेम 2022, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंडिया का रैंक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में कितना है? तो ये रैंक है 10th, टॉप बाय यूएसए। ठीक है, टॉप यूएसए में और इंडिया 4th पे है। अंबिका राव हु पास्ड अवे वॉज असिस्टेड विद विच प्रोफेशन। जो अंबिका राव है वो अभी उनकी डेथ हुई है, वो कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है एक्टिंग से, ये मलयालम एक्टर थे एंड असिस्टेंट डायरेक्टर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग डे फ्री है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। ठीक है, क्योंकि अब देश को प्लास्टिक से फ्री करना है और इंडिया में भी प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गए हैं, और प्लास्टिक बैग फ्री डे की थीम है ग्लोबल इनिशिएटिव दैट एम्स टू एलिमिनेट द यूज़ ऑफ द सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग। यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है, अब प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को, और इसकी थीम है ग्लोबल इनिशिएटिव दैट एम्स टू एलिमिनेट द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर के प्रेजिडेंट का क्या नाम है? टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द G7 कंट्री द्वारा इन 1989 टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग, कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बचने के लिए यह टास्क फोर्स बनाई है G7 के द्वारा। अब इसके नए प्रेजिडेंट है टी राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स दे सकता है? तो ये है RBI, SEBI, SBI या NSE। तो इसका आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ये अधिकार दिया है, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स दे सकता है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द नेशनल गेम कंडक्ट बाय इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन इन 2022। जो नेशनल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने नेशनल गेम्स कंडक्ट करने हैं वो कौन सी स्टेट में होंगे? वो होंगे गुजरात में। ये सितंबर और अक्टूबर दिस ईयर होंगे 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नारी को नमन स्कीम। नारी को नमन स्कीम किसने लॉन्च की है? किस स्टेट ने? हिमाचल प्रदेश ने, और हिमाचल प्रदेश के CM का नाम है जयराम ठाकुर। अब नारी को नमन स्कीम है क्या? ये जो भी गवर्नमेंट बसेज है उसमें 50% डिस्काउंट होगा वुमेन को, यानी जो हिमाचल के बीच ही चलती हैं, जैसे शिमला से जाना हमने कांगड़ा, तो वो हिमाचल में जो पहले 100 रुपीज़ किराया लगता था, रेंट लगता था लेडीज़ का, अब वो 50% हो जाएगा। जेंट्स को फुल देना पड़ेगा, लेडीज़ को नारी को नमन स्कीम के तहत 50% डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन रैंक एज द बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट बाय QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023। वर्ल्ड में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2020 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सिटी कौन सी है? तो ये सिटी है लंदन। ठीक है, इंडिया में बेस्ट सिटी है मुंबई, और वर्ल्ड में मुंबई का नंबर है 106, सेकेंड नंबर पे है बेंगलुरु, और वर्ल्ड में उसका नंबर है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ रैंक एज मोस्ट कोस्टलियस्ट सिटी इन इंडिया फॉर फॉरनर के लिए इंडिया में सबसे कोस्टली सिटी कौन सी है? मुंबई, सूरत, चंडीगढ़ या न्यू दिल्ली? तो ये सबसे कोस्टली है न्यू दिल्ली, और सबसे कोस्टली न्यू दिल्ली, और सबसे इजी यानी सस्ती हिंदी में बोल दिए वो है कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ पिंट्रस्ट। पिंट्रस्ट के CEO कौन है? अब नए बने हैं पिंट्रस्ट के CEO। पिंट्रस्ट के CEO है ने बिल रेडी, और पिंट्रस्ट जो जो ऐप है, ठीक है, ये 2009 में लॉन्च हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है US कैलिफोर्निया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द चेन्नई ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट? चेन्नई ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है सवचेको बोरिस, ये रशियन ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने ये जो जीता है ये नीतन सेंथिन लेवल से जीता है, सचवनेको बोरिस रशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इमर्ज एज लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम इंडिया? कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा सी फूड एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, यानी सी फूड लाइक जो प्रॉन्स फिश वगैरह जो भी सी फूड है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है इंडिया से? यूएस से। ठीक है, इस अभी यानी इस ईयर इसके एक्सपोर्ट में 30% इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्री हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन नाटो? कौन सी दो कंट्री को नाटो को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया गया है? फिनलैंड स्वीडन, साउथ कोरिया एंड जापान, इजराइल एंड इजिप्ट एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये कौन सी कंट्री है? फिनलैंड एंड स्वीडन। जो नाटो है, नाटो में 30 मेंबर हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एंटार्क्टिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये फॉर्मेशन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, और नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रूजल बेल्जियम, और इसकी मेंबर 30 कंट्री है। अब दो कंट्री नहीं आ जाएंगी तो अब इसकी जो कंट्री मेंबर है 32 हो जाएंगी, और इसके हेड का नाम है जीन्स स्टॉलनबर्ग, जीन्स स्टॉलनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड यूएफओ डे इज हेल्ड। यूएफओ की फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। यूएफओ डे कब मनाया जाता है? यूएफ डे मनाया जाता है 2 जुलाई को। पहली बार जो फर्स्ट यूएफओ देखा गया था वो 24 जून 1947 को देखा था, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था। ठीक है, अब ये जो यूएफओ डे मनाया जाता है ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल कौन बने हैं? वो बने हैं यायर लैपिड। यायर लैपिड ये हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया यायर लैपिड ने नफ्तली बेनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू इंडियन एक्टर हैव बीन इनवाइटेड टू बिकम मेंबर ऑफ ऑस्कर एकेडमी क्लास 2022? कौन से दो इंडियन एक्टर को इनवाइट किया गया है ऑस्कर एकेडमी क्लास 2022 के लिए? तो इनवाइट किया गया काजल और सूर्य को। ठीक है, जो सूर्य है वो तमिल एक्ट्रेस हैं और जो काजल है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज इन यूएसए सुप्रीम कोर्ट? यूएसए सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट ब्लैक जज, वुमेन ब्लैक जज कौन है? वो है केंटा जी जैक्सन। इन्हें याद रखने का तरीका है, माइकल जैक्सन को याद रखो तो इनका नाम है केंटन जी जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी नाटो समिट 2022 हैज़ बीन हेल्ड? जो नाटो की समिट 2022 में है वो कौन सी सिटी में है? वो हो रही है मैड्रिड, स्पेन कैपिटल मैड्रिड। ये 20 से 29-30 तक चलेगी। फर्स्ट टाइम जापान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मोस्ट रन इन एन ओवर इन टेस्ट क्रिकेट? कौन से इंडियन क्रिकेटर ने मोस्ट रन एक ओवर में बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। ये पहले रिकॉर्ड था ब्रायन लारा के पास, अब रिकॉर्ड है जसप्रीत बुमराह ने। इन्होंने एक ओवर में यानी 35 रन बनाया है, लेकिन इनके पास 29 रन आए हैं क्योंकि कुछ रन वाइड बॉल के या नो बॉल के थे। जसप्रीत बुमराह ने 29 रन बनाए हैं एक ओवर में टेस्ट मैच में। ठीक है, इसके पहले वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा, उन्होंने भी 28 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका के केशव और ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज, इन तीनों ने 28 रन बनाए थे। अब जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ 5th टेस्ट मैच में 29 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैंड ओवर अ 50 बेड फुली फंक्शन हॉस्पिटल टू तजाकिस्तान? तजाकिस्तान को किस कंट्री ने 50 बेड फुली फंक्शनल हॉस्पिटल दिया है? तो ये दिया है इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू महारा इलेक्टेड
एज द न्यू महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर, ठीक है, एज द न्यू महाराष्ट्र असेंबली। महाराष्ट्र से बहुत न्यूज़ आ रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम, सभी मंत्री और स्पीकर सभी नए हैं, तो इनसे न्यूज़ जरूर आएगी। तो नए जो हमारे स्पीकर हैं वो है राहुल नार्वेकर, ये भी बीजेपी के हैं, राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज स्वामी विवेकानंद डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड। स्वामी विवेकानंद डेथ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? 4 जुलाई को, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 में, वो 39 ईयर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इंडियन आर्मी हैज़ ऑर्गेनाइज सुरक्षा मंथन 2022। कौन सी जगह में इंडियन आर्मी ने सुरक्षा मंथन 2022 किया है? तो ये किया है राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर वाला एरिया सील करना है, उसकी देख रेख के लिए सुरक्षा मंथन 2022 जोधपुर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन मैन सिंगल। मलेशिया ओपन बैडमिंटन मैन सिंगल किन्होंने जीता है? विक्टर एक्सलसन ने, विक्टर एक्सलसन, ये डेनमार्क से है और ये जो कप है मलेशिया में कुआलालंपुर, कैपिटल कुआलालंपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड 8:55.19 इन वुमेंस 3000 मीटर। 3000 मीटर रनिंग में किन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया नया? ये बनाया है पारुल चौधरी जी ने, पारुल चौधरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 टाइटल, ठीक है, ये किन्होंने जीता? ये जीता शीनी शेट्टी जी ने, शीनी शेट्टी कर्नाटका से हैं, ये VLCC फेमिना मिस इंडिया, ये जो रूबल है ये सेकंड प्लेस में आई है और ये शीनाता चौहान है ये थर्ड प्लेस में आई है, और यहाँ 2022 है, 2023 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री गिफ्ट 75 एम्बुलेंस 17 स्कूल बस टू नेपाल। नेपाल को कौन सी कंट्री गिफ्ट कर सकती है? हमारी इंडिया की नेपाल से बनती है, तो इसको इंडिया ने गिफ्ट किया है 75 एम्बुलेंस एंड 17 स्कूल बसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्टर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ pokerbaazi.com। ये जो pokerbaazi.com है ये इंडिया की, ठीक है, pokerbaazi.com है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? शाहिद कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल एंड माइन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी एज ऑन अ 6-day विजिट ऑन विच कंट्री। जो प्रहलाद जोशी जी हैं ये 6-day विजिट किस कंट्री में गए हैं? ये गए हैं ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ डिक्लेयर पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी। पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी किस यूनियन टेरिटरी ने अनाउंस किया? ये किया पोंडीचेरी ने, पुडुचेरी ने। इन विच स्टेट DRDO हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड अनमैंड फाइटर एयरक्राफ्ट। अनमैंड फायर एयरक्राफ्ट किस में टेस्ट किया है DRDO ने? यह किया कर्नाटका में। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये बना था 1958 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके हेड है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का हेड है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDA प्रेजिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच ट्राइब। द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए है ये किस ट्राइब से है? ये ट्राइब से है संथाल ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बैडमिंटन डे। वर्ल्ड बैडमिंटन डे कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022। फूड सिक्योरिटी एक्ट में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? ये किया है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा ने इसमें टॉप किया है, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइन एन एग्रीमेंट विद केरलास फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट कलेक्शन। किस बैंक ने केरला के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से एग्रीमेंट किया है फॉर डिजिटल पेमेंट? तो इसका सही आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने, साउथ इंडियन बैंक ने। तो साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है केरला में, और इसको CEO है मुरली राम कृष्णा,
और टैगलाइन है एक्सपीरियंस्ड नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड अ मोनेट्री पेनल्टी 1 करोड़ एंड 1.05 करोड़ ऑन विच टू बैंक। आरबीआई ने दो बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाया है 1 करोड़ का और 1.05 करोड़ का, तो वो कौन कौन से बैंक है? वो बैंक है इंडसलैंड बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम आई थी, और जो जो इंडसलैंड बैंक है इसमें केवाईसी के कारण 2016 में कोई प्रॉब्लम थी उसके लिए ये फाइन लगा है। इंडसलैंड बैंक को 1 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक को 1.05 करोड़। राहुल नार्वेकर द यंगेस्ट स्पीकर इन द कंट्री बिलोंग्स टू विच स्टेट लेजिस्लेटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले यह क्वेश्चन किया है, राहुल नार्वेकर ये बीजेपी से हैं, ये महाराष्ट्र के नए स्पीकर बने हैं, और ये इनके इनके पास ये रिकॉर्ड आया, ये सबसे छोटी उम्र के स्पीकर हैं, और ये पहली बार ही इलेक्शन जीते थे और पहली बार ही विधानसभा में आए थे और ये स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके पार्लियामेंट ऑनर्स हुज विद आयुर्वेदा रत्न अवार्ड। आयुर्वेदा रत्न अवार्ड यूके पार्लियामेंट ने किसको दिया है? तनुज नेसारी को, तनुज नेसारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलूरी सीतारमन राजू वाज फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट। ये जो अलूरी सीतारमन राजू हैं ये फ्रीडम फाइटर थे, ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से। जो अभी RRR मूवी आई थी जिन्होंने वो तीर चलाया था, वे ये वही हैं अलूरी सीतारमन राजू। ठीक है, अलूरी सीतारमन राजू, इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पे इनका स्टैचू 30 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिवील किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द डिजिटल इंडिया वीक 2022? डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? कैटालाइजिंग न्यू इंडिया स्टेकार्ड, कैटालाइजिंग न्यू इंडिया स्टेकार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट CM अश्योर लेजिस्लेटिव असेंबली टू रिड्यूस वैट ऑन फ्यूल। अब किस स्टेट के CM ने बोला है अभी जो वैट है फ्यूल पे वो रिड्यूस किया जाएगा? तो नई सरकार बनी है महाराष्ट्र में, तो उनके CM एकनाथ शिंदे जी ने ये बोला है भी वैट है जो इस पे रिड्यूस किया जाएगा फ्यूल पे। ठीक है, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और CM है एकनाथ शिंदे, और कैपिटल है मुंबई, और डिप्टी CM है देवेंद्र फर्नांडिस। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि महाराष्ट्र की नई सरकार बनी है और यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा राइज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट CM एक्सपेंड कैबिनेट इंडक्ट 5 मोर मिनिस्टर। किस स्टेट की CM ने अपनी कैबिनेट को एक्सपेंड किया है, 5 नए मिनिस्टर बनाए हैं? तो ये है पंजाब। पंजाब के CM है भगवंत मान, और यहाँ पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, अब पंजाब में 5 और मिनिस्टर इन्होंने ऐड कर लिए अपनी कैबिनेट में। तो यहाँ हमारे करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।